VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। गुजरात तापी जिला उछल तालुका सेलूट गांव का सरपंच प्रवीण भाई के आदिवासी खेडूत को खुली धमकी दी मिली है जमीन विवाद की। अनिल भाई नकटिया भाई गामित की के पिताजी की जमीन है, कब्जेदार आदिवासी खेडूत है जिस जमीन को हड़पने का प्रयास सरपंच कर रहा है। सरपंच रेवेन्यू अधिकारी नहीं है, उसने सरपंच ने आदिवासी खेडूत को एक नोटिस लिखा, उसको नोटिस लिखने का अधिकार है नहीं है और खुली धमकी दे रहा है। और अनिल भाई आई नकटिया भाई आदिवासी खेडूत पीड़ित है, उसने VSCC 24 न्यूज में रिपोर्ट दिखाई दी है और आगे कार्रवाई करने के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए उसने रिपोर्ट दी है। आई एम DM चौधरी, VSCC 24 न्यूज, डिजिटल इंडिया, सच के आगे कोई नहीं। आज हमारे वॉइस ऑफ क्राइम एंड करप्शन के अंदर हमारे मांडवी के एक मित्र है नटू भाई चौधरी, जिसके जमीन के बाबत में बहुत सारे से समस्या है, बहुत सारे से पीड़ित भी है। उसके साथ मेरी बहुत सब 2-3 साल से मुलाकात आई है, लेकिन आज हमने स्टूडियो में बुलाया है। तो मैं VSCC 24 न्यूज तरफ से मैं नटू भाई का हार्दिक स्वागत करता हूँ भाई, और नववर्ष अभिनंदन सबका। तो अभी सबसे पहले क्या है कि हम नटू भाई का पहला हम परिचय लेंगे, तो नटू भाई अपना परिचय बताइए। अच्छा, कौन से गांव के हैं? कसा। तालुको? मांडवी। जिल्ला सूरत। अच्छा अच्छा, नटू भाई आप क्या करते हैं? कोई नहीं, खेती कर रहा है। खेती करते हैं, खेती और दूसरा पशुपालन। हाँ, पशुपालन। अच्छा, जमीन का विवाद कितने साल से चल रहा है? 4-5 साल से। पाँच एक साल हो गया। अच्छा, इसमें जमीन के अंदर मूड़ मालिक कौन था? मूड़ मालिक पिताजी का, मारा पिताजी मतलब मंची, मतलब भाई मंची भाई चौधरी। हाँ, मतलब भाई का कोई भाई है? हाँ सर। कौन है? सरद भाई मंची भाई। सरद भाई मंची भाई चौधरी। अच्छा, लेकिन ये जो जमीन है वो मतलब भाई मंची भाई की जमीन थी। हाँ। अच्छा, वो सर्वे नंबर कौन सा है? 37। कसा? कसा। अच्छा अच्छा, तो इसमें मतलब भाई मंची भाई चौधरी, अच्छा मतलब भाई मंची भाई चौधरी का धर्म पत्नी का नाम? तुम्हारी मम्मी को नाम? अच्छा, अभी मतलब भाई मंचा भाई चौधरी है कि नहीं है? नहीं है, डेथ हो गया ना। अच्छा, वो तुम्हारा मम्मी है? नहीं है, मम्मी भी दोनों नहीं है। अच्छा, तो उसके वारसदार कितने हैं? आप सबका नाम बताइए। सबसे बड़ा कौन है? चंदू भाई। चंदू भाई मतलब भाई चौधरी। अच्छा, दूसरा? दूसरा एक एक्सपर्ट है क्या, बापू भाई मतलब भाई। बापू भाई मतलब भाई चौधरी। तीसरा? तीसरा नटू भाई मतलब भाई। नटू भाई मतलब भाई चौधरी आप खुद है। बराबर। दूसरा? जीना भाई मतलब भाई। जीना भाई मतलब भाई चौधरी। और सूरज भाई मतलब भाई चौधरी। सूरज भाई मतलब भाई चौधरी। अच्छा, और कोई है? बहन है, सिस्टर है कि नहीं अभी? है ना। अच्छा, बताइए उसका नाम। मधु बहन मतलब भाई चौधरी। मधु बहन मतलब भाई चौधरी, मतलब ये 6 लोगों का परिवार है। बराबर। मतलब भाई मंचा भाई जो, मतलब भाई मंचा भाई जो चौधरी है उसके परिवार में 6, मतलब भाई भी चला गया। सात। और कौन कौन? संकुटला बेन। संकुटला बेन मतलब भाई चौधरी, राइट। मतलब टोटली 7 परिवार, इसमें 5 भाई है और 2 बहन। बिल्कुल ना। तो ये 5 भाई है और 2 बहन है, और ये मतलब भाई मंचा भाई चौधरी जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे कसाल के अंदर है, और कसाल के अंदर सर्वे नंबर 37 वाली जो जमीन है वो मतलब भाई मंचा भाई चौधरी की जमीन थी, वो मूल खातेदार था, और ये जमीन के बारे में कौटुंबिक अदालत तकरार हुआ। तो ये जमीन के अंदर सिटी जो सर्वे नंबर 37 के अंदर 37 वाली जो जमीन है उसमें कौन सी बड़ी समस्या आई, कैसे हुआ वो बताइए। ये जमीन किसने बेच दिया? बेच दिया काठियावाड़ी में। नहीं, वो बेचने वाला भाई का नाम बताइए। चंदू भाई मतलब भाई चौधरी। वो तुम्हारा भाई है? भाई है। और तुम्हारे दूसरे 4 भाई हैं और 2 बहन है। मैं टोटली तुम्हारा मतलब भाई मंची भाई चौधरी का 7 जन का परिवार है, तो साथ ही साथ कुटुंब की परवानगी लिया कि नहीं लिया उसने? तो ये लोगों ने परवानगी वीजा नहीं लिया, पर मेरी परवानगी नहीं लिया। अच्छा, मतलब दूसरे लोगों का लिया हुआ साल में, लेकिन आपकी परवानगी नहीं लिया। अरे, इसमें आपका हिस्सा आपको मिला नहीं? नहीं। अच्छा, वो कितना बीघा जमीन है? 35 बीघा बोलता जाए। 35 बीघा है, 35 बीघा जमीन है, और कम से कम कितने में बेच दिया आशिर तुम्हारे अंदाज के हिसाब से? तो 7 करोड़ की बात कर रहे थे। 7 करोड़ के बाद। बराबर है ना, ठीक है। वो प्यूर डांगशिया और लाभू डांगशिया, वो 2 है, वो कांग्रेस में रहते हैं।
और अभी वो लोगों का डामर का भी प्लान चल रहा है। अच्छा, वो जमीन कहाँ पे है? कसाल में। कसाल में अभी क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है जमीन की? जमीन की खाद बना दिया, पत्थर पड़ा, पसी अपड़ा। चलो कोई बात नहीं, गुजराती में बात करिए चलेगा। कसार चालू कर, पत्थर पिलवाना। अच्छा, खाण चाले से? खाण चाले से ना, कसार भी चाले से। कसार भी चाले से। यहाँ कौन आवे छे? त्या त्या ए अपना लाभू, लाभू भाई ना जमाई, लाभू डांगे शेनु जमाई। जमाई नाम जानते हैं उसका? नहीं जानते। कितने लोग काम करते हैं वहाँ पे? मजदूर है बेटा? मजदूर है लेकिन अभी कोई ले नहीं है। घर को घर बार बद्दा बनाया ला जाता है। घर बना। अच्छा, ये आपने ये फड़िया थी नजीक छे? नजीक है। आपने ये इंटरव्यू लिखो है जमीन? हाँ, एक जमीन बराबर ने 35 बीघा छे। मैं 35 बीघा जमीन ની અંદર તમારો ભાગ છે? હા, અમારો ભાગ છે। તમને ભાગ નો મળ્યો નથી? નથી બરાબર। અચ્છા, હવે એની અંદર તમે કોઈ પરવાનગી માં કોઈ સહી ભાઈ નથી આપી? કોઈ કોઈ નથી। તમારી પરવાનગી વગર આપ જોતું ભાઈ બટલા ભાઈ ચૌધરી એ જમીન બારો બાર વેચી પડી? અચ્છા, વેચી દીધી ના? જે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા તમે તમારી ગણતરી પ્રમાણે? 5 વર્ષ થઈ ગયા। પાંચેક વર્ષ થઈ ગયા અમે નટુભાઈ બટલાભાઈ ચૌધરી એને બધું બારો બાર કારભાર થાય અને જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ 1879 ની કલમ 73 જમીન કહેવાય તો આ જમીન ની અંદર તબદીલ કરવું હોય તો કુટુંબ ની પરવાનગી લેવી પડે। કુટુંબ ની પરવાનગી વગર આદિવાસી ની જમીન વેચી શકાય નહીં। તો હવે નટુભાઈ બટલાભાઈ ચૌધરી છે એ આપણા બીએસસી 24 ન્યૂઝ ની અંદર એમણે જે આજે ઇન્ટરવ્યુ ની અંદર આપ્યું છે કે સર મારી પરવાનગી વગર આ જમીન બારોબાર વેચાઈ ગઈ છે અને અમને કોઈ જાતના પૈસા આપ્યા નથી। હવે બીજા ભાઈ ના આપ્યા કે નહીં આપ્યા એ પણ એક પ્રશ્ન છે, પરંતુ નટુભાઈ ને કોઈ પણ પૈસા આપ્યા નથી, કોઈ પણ એને પરવાનગી આપી નથી, એટલે 73 ની જે જમીન છે 17 પ્રકારની જમીન છે એ જમીન ની અંદર નટુભાઈ ની પરવાનગી નથી। તો આ જમીન બાબતમાં હવે કાયદા હેઠળ આપણે એની આગળ કાર્યવાહી કરીને નટુભાઈ ને આપણે ન્યાય અપાવવાનો છે અને એ જમીન મળી જાય અથવા જમીન ના મળે તો એને કોઈ પણ રીતે ફંડ મળવો જોઈએ, બે માંથી એક છે। તો હવે નટુભાઈ તમારી છેલ્લી ઈચ્છા શું છે? તમને આ જે 35 વીઘા જમીન છે એમાંથી જમીન મળી જાય કે પૈસા મળી જાય, બે માંથી કોઈ પણ આપણે એક નક્કી કરીએ, બોલો શું કરીએ? જમીન માં તો બધું એ કરી રાખેલું છે, જમીન મળી જાય તો સારું છે। અચ્છા અચ્છા, મતલબ જમીન જે 35 વીઘા જમીન છે એ આપણે એ શું છે કે સરખે ભાગે વેચવાની હોય, એની અંદર તમારા 7 ભાઈ છે, સાથે 7 ભાગ નો ભાઈ હોય, સાથે 7 ના બધાને હરખા ભાગ મળે અને પછી જે આ કોની પાસેથી એની જમીન લીધી એ મોટો પ્રશ્ન છે। કસાલ ગામ ની અંદર જે 37 વાળી જમીન છે એ આપણે એક વાર તુમાર કાઢેલો છે, પણ છતાં બી આજકાલ પાછો કાગળિયા કઢાવ્યો અને પછી હું તમને રિપોર્ટ આપીશ।